अभी की करंट सिचुएशन ये है जी कि जो मिस इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंची या पैन इंडिया नेशनल मीडिया पे भी पहुंची, मेरे को कॉल्स भी आई नेशनल मीडिया से कि बच्चे किसी ने सुसाइड कर लिया या अटैम्प्ट टू सुसाइड किया। इनिशियली तो यही थी कि सुसाइड कर लिया, देर इज़ नो फैक्ट, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई सुसाइड भी नहीं हुआ है, कोई अटैम्प्ट टू सुसाइड भी नहीं हुआ है। लड़कियां फेंट जरूर हुई थी जो प्रोटेस्ट में थी, डिहाइड्रेशन या एंग्जाइटी की वजह से, बिकॉज दैट वाज क्वाइट हॉट, जो मेरे को पुलिस जो एट द फ्रंट एंड बिल्कुल जो इन टच पुलिस है, दे शिफ्टेड देम टू द हॉस्पिटल, उनको एम्बुलेंस से पहुंचाया गया था। वो एम्बुलेंस वाले वीडियो को ही सुसाइड या अटेम्प्ट टू सुसाइड करके उसके साथ लिंक किया जा रहा है, पर ऐसी कोई सच्चाई नहीं है इसमें। मेरी अपील यही है कि सोशल मीडिया में इंफॉर्मेशन बहुत जिम्मेवारी से फैलना चाहिए, बहुत जल्दी से हमारा अटेम्प्ट रहता है कि वेरीफाई किए बिना सबसे पहले इन्फॉर्मेशन फैला दिया जाए। मेरी यही अपील है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन फैलाने से पहले उसको वेरीफाई जरूर करना चाहिए। देखिए इस केस में दिस इज़ अ क्लासिक केस जिसमें एक इन्फॉर्मेशन जो डिस्टॉर्ट करके पेश की गई एंड सेंसिटिविटी ऑफ द पीपल इज़ एट द एज, जो पेरेंट्स जिनको इतना मेंटल एगोनी या मेंटल उनको ट्रॉमा समझ में आ रहा है जिनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दैट मिस इन्फॉर्मेशन। मेरा यही अपील है कि कोई भी सोशल मीडिया या किसी भी चैनल पर कोई भी इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने से पहले उसको ड्यूली वेरीफाई करना चाहिए।